हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव। अभी तक हमने आपको कंप्यूटर में जो भी बताया उसका पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको कंप्यूटर बताया कि कंप्यूटर का जो डिफिनेशन होता है, हमने डिफिनेशन देखा था, और कंप्यूटर का डिफिनेशन के साथ हमने देखा कि जो उसके साथ जो और जो पार्ट्स लगे थे, जैसे कंप्यूटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। उसके बाद हमने देखा कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो हार्डवेयर भी दो टाइप्स के होते हैं। हमने दो टाइप्स का हार्डवेयर देखा, एक इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो हार्डवेयर देखा था कि जो भी हमें हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने का जो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है कि जो भी हमारा फिजिकल कंपोनेंट होता है, तो जो भी फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का वो कहलाता है हार्डवेयर। उसके बाद हमने देखा कि हार्डवेयर के टाइप्स के बारे में देखा कि हार्डवेयर को कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो टाइप्स देखा था हार्डवेयर का, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर में हमने देखा कि वो सारे पार्ट जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, मीन्स वो फिजिकल पार्ट जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर वो इंटरनल, और वो पार्ट जो कंप्यूटर के बाहर होते हैं आउटसाइड में होते हैं तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर। इसके बाद हमने देखा था कि जो हार्डवेयर के जो टाइप्स थे तो उसमें जो एक्सटर्नल हार्डवेयर था, तो एक्सटर्नल हार्डवेयर में हमारा कौन कौन सा डिवाइस था। तो पहला देखा था फ्लैट पैनल या मॉनिटर या एलसीडी जिस पे हमारा डिस्प्ले आता है, फिर हमारा गेम पैड जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, जॉयस्टिक देखा था, जॉयस्टिक भी सेम गेम पैड ही होता है, जॉयस्टिक और गेम पैड बोल सकते हैं कि जॉयस्टिक और गेम पैड जो दोनों होते हैं, जो दोनों एक ही होते हैं। और हमने देखा कीबोर्ड जो इनपुट डाटा को, हमें कंप्यूटर में कुछ डाटा को अगर इनपुट करना है तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। फिर माइक्रोफोन देखा था, अगर हमें कुछ वॉइस रिकॉर्ड करनी है, जिस तरह से मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें जो आपको आवाज़ आ रहा है, तो उसके लिए जो मैं एक एक्सटर्नल हार्डवेयर का यूज कर रहा हूँ वो हार्डवेयर है हमारा माइक्रोफोन। सेकेंड देखा था हमने माउस, तो जो माउस है हमारा, माउस भी एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है। उसके बाद हमने देखा प्रिंटर, फिर देखा प्रोजेक्टर, देन हमने देखा स्कैनर। हमें अगर हमारे सिस्टम में कुछ भी एक्सटर्नल प्रिंट, दैट मीन्स हार्ड कॉपी, अगर उसे स्कैन करके अपने सिस्टम में डालना होता है तो उसके लिए हम जिस हार्डवेयर का यूज करते हैं वो होता है हमारा स्कैनर। देन हमने देखा स्पीकर, अगर वॉइस के लिए, सिस्टम से वॉइस आउटपुट के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा स्पीकर। फिर हमने देखा यूएसबी थंब ड्राइव, तो यूएसबी थंब ड्राइव जो हमारा यूएसबी पोर्ट होता है जिसमें हम यूएसबी लगाते हैं जो पोर्ट के अंदर, तो जो बाहर जो लगाते हैं वो होता है हमारा यूएसबी थंब ड्राइव। फिर हमने मॉनिटर देखा, मॉनिटर के भी टाइप देखे कि जो मॉनिटर है हमारा वो एक आउटपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है वीडियो को, इमेज को और टेक्स्ट को, और इस मॉनिटर को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट किया था एलसीडी, एलईडी और सीआरटी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। अब हमने एलसीडी देखा था कि जो एलसीडी का यूज होता है, तो ये कंप्यूटर में हमारा जो घर में जो टीवी होता है टीवी के रूप में भी करते हैं, कंप्यूटर का डिस्प्ले में करते हैं,
और ये जो हमारा डिस्प्ले आप देख रहे हो, ये डिस्प्ले है एक कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर के अंदर जो डिस्प्ले होता है वो भी एलसीडी डिस्प्ले होता है। फिर हमने देखा एलईडी, एलईडी जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, वो ऐसा होता है। और जो भी हमारा एलईडी टीवी है, जैसे आप यहाँ पर जो देख रहे हो जो एलईडी टीवी है, तो इसके अंदर एलईडी डायोड लगे होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे डायोड्स लगे होते हैं। और वो जो सिस्टम से इंस्ट्रक्शन जाता है, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो डायोड वर्क करते हैं और फ्रंट पैनल पे ग्राफिक्स का निर्माण करते हैं। फिर देखा था सीआरटी मॉनिटर। तो सीआरटी मॉनिटर जो हमारा पहले मॉनिटर आता था वो सीआरटी होता था, कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर। ये मॉनिटर पहले आता था, और अभी क्या है, अभी सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट चल रहा है तो वो हम लोग एलसीडी करते हैं, और एलसीडी से भी बेटर है तो एलईडी करते हैं। जो हमारा सीआरटी मॉनिटर था ये बिजली ज़्यादा कंज्यूम करता था, एलईडी बिजली कम कंज्यूम करता है एलसीडी, और एलईडी और भी बिजली कम कंज्यूम करता है। उसके बाद अब आगे देखते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें क्या क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है जॉयस्टिक, ये है हमारा जॉयस्टिक, या इसे गेम पैड भी बोल सकते हैं। गेम पैड और जॉयस्टिक बताया था दोनों एक ही होता है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये है यूएसबी हब, सॉरी यूएसबी थंब पोर्ट, ये है हमारा यूएसबी थंब पोर्ट है। तो ये हमारा जो है यूएसबी थंब पोर्ट, ये है ब्लूटूथ का। किसका है? ब्लूटूथ का। अब ये सिस्टम में ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम इसके माध्यम से गेम खेलते हैं अपने सिस्टम में। और ये हमारा जॉयस्टिक बताया था, जॉयस्टिक और गेम पैड दोनों एक ही होते हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है, बट चीज दोनों सेम है। इससे भी हम गेम खेलते हैं, उससे भी गेम खेलते हैं। और जो जॉयस्टिक हमारा होता है, जॉयस्टिक या गेम पैड जो होता है, वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है विथ वायर और दूसरा होता है विदाउट वायर। तो यहाँ पर ये जो हमने देखा था ये विदाउट वायर है, मतलब ये वायरलेस है, इसके साथ वायर कनेक्ट नहीं होता, ये ब्लूटूथ से फंक्शन करता है। और ये वायर वाला है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इसका वायर है यहाँ से, और ये कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा सीपीयू बॉक्स से, और उसके बाद हम गेम का मज़ा ले सकते हैं। फिर हमारा होता है कीबोर्ड। तो आप जो देख रहे हो मॉनिटर पे, ये है हमारा कीबोर्ड, ध्यान से देखो, ये है कीबोर्ड। और कीबोर्ड का मेनली यूज बताया था कि हमें सिस्टम में जो भी कुछ डाटा डालना होता है उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। इसके अंदर हमारे बहुत सारे कीज मिल जाते हैं, फंक्शन की मिल जाता है, नंबर की मिलता है, स्पेशल कैरेक्टर मिलते हैं, मॉडिफाई की होता है, एरो की होता है, और अल्फ़ाबेट की होते हैं, बहुत सारे कीज होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक कीबोर्ड का अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें कीबोर्ड के अंदर जितने भी की होते हैं उसका जो फंक्शन होता है उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन, ध्यान से देखिए, ये है हमारा माइक्रोफोन। इसको आपने अक्सर देखा होगा जो टीवी में ऐड वगैरह आता है कस्टमर केयर का, तो उसमें जो कस्टमर केयर वाली जो होती है वो ये हेडफोन लगाए हुई होती है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये है स्पीकर, यहाँ पर दो स्पीकर लगा हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट होता है हमारा माइक्रोफोन का, ये होता है हमारा माइक्रोफोन का। तो ये हमारा माइक्रोफोन यहाँ पर है जहाँ पर मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, और फिर ये जो हमने ग्रीन मार्क किया है ये है हमारा दोनों स्पीकर। तो यहाँ से स्पीकर कान में कनेक्ट होता है, एयर से इसका कॉन्टेक्ट होता है, और यहाँ पर जो हमारा माइक्रोफोन है ये हमारे माउस के पास होता है। तो जो भी हम बात बोलते हैं कुछ भी वो इसके अंदर रिकॉर्ड होती है, और ये जो हमारा होता है वो
दो तरह का होता है, एक ब्लूटूथ होता है, दूसरा वायरलेस होता है। तो जो ब्लूटूथ होता है वो ब्लूटूथ के जरिए हमारे सिस्टम में इनपुट जाता है, और जो विथ वायर होते हैं वो एक वायर कनेक्ट होता है हमारे सिस्टम के साथ, वायर कनेक्ट होता है और जो भी हमने वॉइस बोला ये इलेक्ट्रॉनिक वेव के रूप में हमारे सीपीयू में जाता है और फिर वहाँ पे सीपीयू इसको प्रोसेस करता है। आगे देखते हैं, ये हमारा माउस सबसे इम्पॉर्टेंट। हमारे सिस्टम में जब भी हम अपना सिस्टम पे वर्क करते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम जिस चीज़ का यूज करते हैं वो होता है हमारा माउस। डिस्प्ले के ऊपर जो भी फंक्शन करना होता है उसके लिए हम माउस का यूज करते हैं। माउस में चूहा, ये जो आप रैट देख रहे हो ना, ये है हमारा एक प्यारा सा रैट जो देख रहे हो, इसकी दो कान आपको दिख रही होगी और एक पूंछ भी होती है। तो इसके जो दो कान है ना, इसे मान लो कि ये दो कान है, एक लेफ्ट बटन है और एक राइट बटन है, और ये जो हमारा हो गया ना बीच का जो पॉइंट होता है ये होता है रोटर स्क्रॉल करने के लिए, इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन। ये होता है स्क्रॉल बटन, ये हमारा होता है राइट बटन और ये होगा लेफ्ट बटन। तो माउस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वायरलेस माउस, दूसरा होता है वायर माउस। तो वायर माउस में जो आप देख रहे हो ये वायर जो है, वायर के साथ जो ये यूएसबी दिख रहा है ये यूएसबी कनेक्ट होगा हमारे कंप्यूटर से, और वायरलेस में जो यूएसबी होगा वो कैसा होगा वो आपको पीछे आपने देखा था, एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो हमारा है ये वायरलेस माउस में ये यूज होता है, और ये जो हमारा यूएसबी देख रहे हो ये है ब्लूटूथ डिवाइस, ये है ब्लूटूथ डिवाइस, ये ब्लूटूथ डिवाइस है, और ये ब्लूटूथ डिवाइस सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये ब्लूटूथ डिवाइस से हमारा जो माउस है वो कनेक्ट हो जाता है और फिर हमारा फंक्शन करता है। और वायर वाला में ये जो देख रहे हो ये वायर कनेक्ट होता है और फिर हमें सिस्टम में प्रॉपर वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रिंटर। तो ये देख रहे हो प्रिंटर, ये है कैनल का प्रिंटर। तो प्रिंटर जो होता है हमारा सिस्टम से अगर कुछ भी सॉफ्ट कॉपी को अगर हार्ड कॉपी निकालना है, मतलब जो भी हमने इनपुट डाटा उसमें डाला है उसे पेपर पे बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। और प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कलर प्रिंटर और दूसरा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो कि ये जो देखो ये जो प्रिंटर है, तो इस प्रिंटर के अंदर ये जो देख रहे हो ग्राफिक्स, ये है सॉफ्ट कॉपी। तो ये सॉफ्ट कॉपी जो है हमारा फोटो क्लिक किया हुआ, इस सॉफ्ट कॉपी को अब ये प्रिंटर हार्ड कॉपी पे मीन्स एक फ़ोटो के रूप में प्रिंट करके पेपर पे बाहर निकालेगा। और ये जो प्रिंटर देख रहे हो लिखा हुआ है HP ब्लैक एंड वाइट लेजर टोनर कार्टेज। अब ये जो प्रिंटर है ब्लैक एंड वाइट है, मतलब इस प्रिंटर से जो भी हमें हार्ड कॉपी निकालेंगे वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में रहेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर। ये ध्यान से देखो, ये है प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर का मेन काम होता है कि जो भी ग्राफिक्स हमारे सिस्टम में है अगर उसे हमें बड़ा करके देखना है तो हम प्रोजेक्टर को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो भी हमारा ग्राफिक्स या जो भी हमारे सिस्टम में है वो इस ग्राफिक्स के जरिए, ये जो यहाँ पर आप जो ये वाला जो इसका माउस देख रहे हो, तो ये जो होल है यहीं पे हमारा लगा हुआ होता है लेंस जो होता है, और यहाँ से निकलती है रे, और यहाँ से रे निकलने के बाद एक फ्लैट पर्दे के ऊपर पड़ती है, और यहाँ पे वो जो निकलती है प्रोजेक्शन बनाती है। प्रोजेक्शन मतलब फिगर, यहाँ पे फिगर बनाती है। ये वो फिगर होता है जो भी डाटा उसको दिया होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे
ये एक कॉन्फ्रेंस रूम देख रहे हो, डाइनिंग रूम है। अब इस डाइनिंग रूम में यहाँ पे लगा हुआ है हमारा प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर फिक्स है। और ये जो प्रोजेक्टर फिक्स है, इसमें किसी न किसी डिवाइस से, या तो मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। अब ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और इस इन्फॉर्मेशन को ये प्रोजेक्ट करेगा और यहाँ पर उसने ग्राफिक्स बनाया। और ये जो है वो लगा हुआ है, फ्लैट पैनल है। अब इसके ऊपर ये लाइट इसकी पड़ रही है और ग्राफिक्स बना रही है। प्रोजेक्टर का यूज आप सिनेमा हॉल में देखते हो, जो सिनेमा हॉल में फिगर देखते हो वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। सॉरी, इसमें एस छूट गया है, आप लोग मेंशन कर लोगे। स्कैनर, अब स्कैनर क्या करता है? ये स्कैनर है, ये हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा वायर के साथ। स्कैनर भी दो टाइप के आते हैं, एक वायर वाले, एक विदाउट वायर वाले। तो अगर ये वायर वाला है तो सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद हमारा जो स्कैनर है, वो जो यहाँ पर जो बीच का जो पैनल में लाइट देख रहे हो, और ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट उठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप पैनल पे लाइट देख रहे हो, यहाँ पे हम अपनी हार्ड कॉपी को रखेंगे और उस साइड रखेंगे जिस साइड का हमें स्कैन करना है। उसके बाद इस ढक्कन को लगा देंगे, फिर इसमें सिस्टम से हम स्कैन का इंस्ट्रक्शन को जैसे ही डालेंगे, यहाँ नीचे में एक पट्टी जैसे कलर कबार आता है, वो आगे की ओर बढ़कर सारे वर्ड को स्कैन करेगा। उसके बाद वो जितना भी वर्ड को स्कैन करेगा, सिस्टम पे सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब स्कैनर के बाद देखते हैं स्पीकर। तो स्पीकर के बारे में अभी बताया कि जो भी हम म्यूजिक सुनते हैं तो उसके लिए जो भी यूज करते हैं वो होता है हमारा स्पीकर। जैसे अभी आप मोबाइल में देख रहे होगे वीडियो, तो जो आपको आवाज़ जा रही है, तो आवाज़ कहाँ से हो, तो आप सोचोगे कि यह आवाज़ जो है मोबाइल से, वो किस पार्ट से, किसी न किसी पार्ट से तो आ रही होगी। तो जिस पार्ट से आवाज़ आ रही है वो पार्ट हमारा होता है, जो वो हार्डवेयर होता है वो होता है हमारा स्पीकर। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये स्पीकर है। और स्पीकर भी दो टाइप्स के आते हैं, वायर वाले और विदाउट वायर वाले। वायर वाले से डायरेक्ट हम कंप्यूटर में वायर से कनेक्ट करते हैं, और विदाउट वायर वाले में क्या होता है कि जो भी हमारा यूएसबी हब होता है, और उस यूएसबी से हम सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, ये ब्लूटूथ वाले से। उसके बाद फिर ये ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट होने के बाद, ब्लूटूथ हमारा जो सिस्टम है उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो सिग्नल इसको भेजेगा, और ये रिसीव करके फिर वो जो भी ऑडियो होगा या फिर कोई लेक्चर होगा, जो भी होगा, उसे वो ऑडियो फॉर्मेट में चला देगा। नेक्स्ट देखते हैं यूएसबी थंब ड्राइव। यूएसबी थंब ड्राइव बताया था, ये एक एक्सटर्नल हार्डवेयर ही है। तो जो भी हमारा अगर ब्लूटूथ लगाते हैं तो ये ब्लूटूथ में आ सकता है। हमारा जो पैन ड्राइव होता है, कार्ड रीडर होता है, वो सारे के सारे इस फॉर्मेट में होते हैं, आप देखते हो। तो यही होता है हमारा यूएसबी थंब्ड। इसके अंदर क्या क्या आएंगे, तो बोलेंगे ब्लूटूथ वाले जो डिवाइस होते हैं वो आएंगे, यूएसबी ब्लूटूथ डिवाइस, और पैन ड्राइव आएंगे, उसके बाद हमारा कार्ड रीडर आएगा, और फिर हमारा जो कीबोर्ड होता है उसका भी जो इनपुट हो वाला जो हिस्सा होता है वो भी यही ऐसा ही बना होता है। तो ये हमारा हो गया यूएसबी थंब ड्राइव। इसे हम कनेक्ट, यूएसबी जो पोर्ट होता है हमारा सिस्टम में, उससे कनेक्ट करके इसके डाटा को उससे लिंक कर लेते हैं। अगर ये ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ से लिंक हो जाएगा, अगर ये पैन ड्राइव है तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो इसके ज़रिए कंप्यूटर में चला जाएगा, जब इसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा हार्डवेयर, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर था। अब देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर। तो जो इंटरनल हार्डवेयर होता है, तो बोलते हैं इंटरनल हार्डवेयर इज द हार्डवेयर इनसाइड द कंप्यूटर। वो हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं,
डिवाइस दैट इज इंस्टॉल्ड विथ इन द कंप्यूटर, वो डिवाइस होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब कुछ एक्सटर्नल हार्डवेयर की लिस्ट देखेंगे जो हम अपने सिस्टम के अंदर प्राप्त करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं हमारे कंप्यूटर में जो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सीपीयू, हमारा सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इससे सीपीयू को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर होता है हमारा ड्राइव होता है, ड्राइव में ड्राइव जो होता है हमारा, उसमें सीडी ड्राइव होता है, डीवीडी ड्राइव होता है। तो जो भी हमारा सीडी या डीवीडी अगर प्ले करना होगा, उसे राइट करना होगा, तो वो इस ड्राइव के अंदर यूज करते हैं। ड्राइव में हमारा ब्लू रे, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सबसे कम कैपेसिटी बोलेंगे सीडी की, सीडी से ज़्यादा कैपेसिटी डीवीडी की, और डीवीडी से ज़्यादा कैपेसिटी होती है ब्लू रे की। फिर सीडी रोम हमारा होगा, डीवीडी होगा, फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव। तो ये एसडीडी एक्सटर्नल, एसडीडी जो होता है हमारा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, और जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, वो हो गया। तो ये जो है ये हमारा हो गया ड्राइव में। उसके बाद लगे होते हैं फैन, ये फैन वो होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में सीपीयू के जस्ट ऊपर लगे होते हैं, क्योंकि अभी बताया कि जो सीपीयू होता है वो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। मतलब हमारा कंप्यूटर जो फंक्शन करता है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर डिपेंड करता है तो वो सीपीयू पर, मतलब सारा जो इंस्ट्रक्शन देने का वर्क होता है वो सीपीयू का होता है, और उसे ठंडा करने के लिए उसके ऊपर फैन लगा होता है, ये हीट सिंक फैन होता है। मॉडर्म ये होता है जो हम अपने कंप्यूटर में अगर नेट चलाना चाहेंगे, इंटरनेट चलाना चाहेंगे, तो उसके लिए मॉडर्म का यूज करते हैं। मॉडर्म कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और उसमें जो साइड में किसी में पीछे में होता है, तो वहाँ पे आपको सिम इंसर्ट करने का जगह होता है, सिम इंसर्ट करते हो। उसके बाद इस यूएसबी पोर्ट को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, और फिर आप इंटरनेट एक्सेस कर लेते हो। फिर हो गया हमारा मदरबोर्ड, नेटवर्क कार्ड, पावर सप्लाई, रैम, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। तो यहाँ पर ध्यान दो, नेटवर्क कार्ड, रैम, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड, ये सारी जो चीज़ होती है वो मदरबोर्ड के ऊपर ही फिक्स होती है। तो बारी बारी से सबको देखेंगे। तो आज देखते हैं हम मदरबोर्ड को। तो मदरबोर्ड हमारा इंटरनल हार्डवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो मदरबोर्ड होता है। अब इस मदरबोर्ड के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनिंग कंपोनेंट, वो सारे मदरबोर्ड के अंदर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जीगावाइट, मतलब ये जो मदरबोर्ड है हमारा वो जीगावाइट मदरबोर्ड हमने लिया है। यहाँ पे जो आप स्लॉट देख रहे हो, यहाँ पे हमारा लगता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मींस हमारे कंप्यूटर का ब्रेन का पार्ट ये है। यहाँ पे है हमारे कंप्यूटर का ब्रेन। फिर आप जो ये देख रहे हो छोटे छोटे जो हब देख रहे हो, ये है हमारा यूएसबी पैनल पोर्ट है यहाँ पे, जो भी हमारा यूएसबी कनेक्ट होगा। फिर ये जो आपको खांचे दिख रहे हैं दो, यहाँ पे लगता है रैम, ये स्पेस है रैम का, यहाँ पे रैम लगेगा। फिर आप यहाँ पर जो ये जो पोर्ट देख रहे हो, इन सारे पोर्ट में ना लगेंगे हमारे, इन सारे पोर्ट में लगेंगे वीडियो कार्ड,
नेटवर्क कार्ड, अगर ब्लूटूथ कार्ड लगाना है तो ब्लूटूथ कार्ड, और जो भी हमारा एक्सटर्नल और भी होगा ड्राइवर के लिए, जो हमारा वीडियो ड्राइवर के लिए जो आता है अलग से कार्ड, तो वो सारे जो भी कार्ड्स लगेंगे वो इस पैनल पे फिक्स होते हैं। और बाकी जो ये जो पोर्ट देख रहे हो, ये सारे वो पोर्ट हैं जहाँ से हमें इसे सप्लाई देना होता है। जैसे सारे पार्ट जो हैं सबको अलग अलग सप्लाई है, हमारा सीपीयू को कुछ अलग करंट चाहिए, रैम को कुछ और करंट चाहिए, वीडियो कार्ड कुछ और करंट लेगा, नेटवर्क कार्ड कुछ और लेगा, ब्लूटूथ कार्ड कुछ और लेगा, हमारा आईसी जो लगे हुए हैं उनका करंट कुछ और लेंगे, ट्रांजिस्टर के करंट कुछ और चाहिए, तो सबको अलग अलग करंट चाहिए। इसके लिए सबके जो पोर्ट होते हैं वो अलग अलग सबके लिए पोर्ट बने होते हैं, जिससे जिसको जितना करंट चाहिए उतनी ही करंट सप्लाई की जाती है और वो पावर सप्लाई यूनिट से की जाती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे क्या है कि आपको हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।